हमें जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? खाना, पानी या फिर ऑक्सीजन? और हमें मारने के लिए? वेल, उसके लिए भी ऑक्सीजन ही जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा कंसीडर कीजिए अपनी बॉडी को एक बहुत ही बड़ी मशीन, जिसे चलाने के लिए चाहिए बहुत ही छोटे छोटे इंजन यानी कि सेल्स। अब इन इंजन को रन करने के लिए हमें चाहिए फ्यूल यानी कि हमारा खाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये इंजन उस खाने को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें चाहिए हमारी प्यारी ऑक्सीजन। अब इस पूरी प्रोसेस से इन इंजन को तो एनर्जी मिल गई, लेकिन इस प्रोसेस से निकल के आते हैं हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल्स। अब जैसे लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए एक पार्टनर, वैसे ही इन फ्री रेडिकल्स को भी चाहिए एक पार्टनर। लेकिन इस पार्टनरशिप का रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं होता। अब आयरन और एप्पल का ही एग्जांपल ले लीजिए, उनकी पार्टनरशिप का रिजल्ट तो आपने देखा ही होगा। और हमारे शरीर के साथ ये फ्री रेडिकल्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं। बेसिकली आपको जिंदा रखने वाली ऑक्सीजन ही धीरे धीरे आपकी बॉडी को जंग लगाती जाती है।